पति पत्नी और वो 1978 में आई पति पत्नी और वो का ऑफिशियली रीमेक है। और फिल्म को देखने के बाद आपको पता चलता है कि 1978 में भी पतियों की जो हालात थे वो वैसी थे और 2019 में भी वैसी है, मतलब वो पे दिल फिसल ही जाता है। पति पत्नी और वो के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे। कार्तिक आर्यन बने हैं पति, भूमि पेडनेकर बनी है पत्नी और अनन्या पांडे बनी है वो। पति पत्नी और वो देखने के बाद लगता है कि कार्तिक आर्यन इन्हीं रोल्स के लिए बने, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का, एक बेचारा पति और बॉयफ्रेंड और मोनोलॉग्स, क्योंकि हर फिल्म में उनके मोनोलॉग्स जरूर होते हैं और इस फिल्म में भी है, लेकिन उनके मोनोलॉग जो होते हैं नो डाउट काफ़ी अच्छे होते हैं और इस फिल्म में भी जो उनको मोनोलॉग है वो आपको पतियों की दशा दिखाएगा। तो इस फिल्म की जो पूरी कहानी है वो के आने के बाद शुरू हो जाती है। फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है लेकिन सेकेंड हाफ उतनी ही स्पीड से आगे बढ़ता है। तो कहानी है कानपुर के अभिनव त्यागी, जिन्हें की प्यार से चिंटू त्यागी कहा जाता है, जिसका की रोल प्ले किया है कार्तिक आर्यन ने। तो चिंटू त्यागी के जो लाइफ का बड़े से बड़ा डिसीजन है वो उनके फादर लेते हैं और वो उस डिसीजन को मानते भी हैं क्योंकि वो एक आदर्श बेटे हैं। फिर चाहे इंजीनियरिंग का डिसीजन हो या फिर शादी करने का डिसीजन, ये उनके फादर ही लेते हैं और वो उसको पूरा करते भी हैं। चिंटू त्यागी की जो लाइफ है बड़ी नॉर्मल है, पीडब्ल्यूडी में सरकारी नौकरी करते हैं और बीवी उनको बहुत प्यार करती है, लेकिन ये नॉर्मल लाइफ ही उनको बहुत बोरियत लगने लगती है। और ट्विस्ट तब आता है जब चिंटू त्यागी की नॉर्मल लाइफ में एंट्री होती है वो की, यानी कि अनन्या पांडे एज तपस्या। तपस्या के आने के बाद चिंटू त्यागी को लगने लगता है कि यार उनकी लाइफ में अभी भी ना मसाला बचा हुआ है। तपस्या अपने बूटी के लिए कानपुर में एक प्लॉट ढूंढ रही होती है और इसीलिए उनकी मुलाकात होती है चिंटू त्यागी से। इसके बाद धीरे धीरे दोनों की दोस्ती आगे बढ़ने लगती है और चिंटू त्यागी इसी दोस्ती में बहने लगते हैं। तपस्या द्वारा दिए गए कॉम्प्लीमेंट्स उनको अच्छे लगने लगते हैं। लेकिन अचानक तपस्या एक दिन ये पूछती है कि चिंटू त्यागी तुम्हारी शादी होगी तुमने बताया नहीं। उसके बाद चिंटू त्यागी एक मनगढ़ंत स्टोरी रचते हैं और तपस्या के सामने रखते हैं ताकि उनको सिंपैथी मिल सके, और ऐसा होता भी है। लेकिन उसके बाद कैसे वो इसी स्टोरी में उलझते जाते हैं इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म का जब ट्रेलर आया था तो उसके डायलॉग्स पर काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, बट फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिल्म में रियलिटी दिखाई गई है, साथ ही साथ एक हमें सीख भी दी जाती है। बात करें एक्टिंग की तो कार्तिक आर्यन ने बेशक अच्छी एक्टिंग की है, लेकिन उनको हम ऐसे पहले देख चुके हैं और बहुत बार देख चुके हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कार्तिक आर्यन को अब कुछ नया ट्राई करना चाहिए ताकि अगर कुछ नई फिल्में हम देखने जाएं तो बोरियत ना हो उनको देख के कि यार ये तो वही करते आ रहे जो पहले से ही करते आ रहे थे। फिल्म में भूमि पेडनेकर का रोल और उनकी एक्टिंग दोनों ही स्ट्रांग थी। फिल्म में उनको एक इंडिपेंडेंट वुमेन, एक इंडिपेंडेंट वाइफ के रोल में दिखाया गया है और उन्होंने एक्टिंग तो हमेशा की तरह अच्छी की है। जैसे कि फिल्म का टाइटल है पति पत्नी और वो, इससे पता चलता है कि पति जो है पत्नी को धोखा देता है, लेकिन फिल्म में ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाया गया है कि पत्नी जो है वो बेचारी बन जाती है। और भूमि पेडनेकर बहुत ही एक स्ट्रांग कैरेक्टर फिल्म का है, जो कि अपने पति की जो अकल है ना वो भी ठिकाने लगाती है। वही बात करें अगर अनन्या पांडे की एक्टिंग की तो उनकी एक्टिंग में अभी मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस कमाल का है। ये उनकी दूसरी फिल्म है और मुझे लगता है कि उनको अपने आप को एक अच्छा एक्टर साबित करने में भी थोड़ी और फिल्मों की ज़रूरत पड़ेगी। और इस फिल्म में जिसने चार चांद लगाए हैं वो है अपार शक्ति। अपार शक्ति ने इस फिल्म में चिंटू त्यागी के दोस्त वही रिजवी का रोल प्ले किया है और इस फिल्म को देख के आप कहेंगे कि वाकई अपार शक्ति ने इस फिल्म को शक्ति दी है। हर किसी को अपनी लाइफ में एक फहीम रिजवी जैसे दोस्त की जरूरत होती है, जो कि हमेशा आपको बचाए, आपके कांडों को छुपाए। ऐसा ही कुछ फहीम रिजवी ने चिंटू त्यागी के साथ इस फिल्म में किया है। अपार शक्ति के जो डायलॉग्स हैं वो इस फिल्म में काफ़ी अच्छे हैं। डायरेक्टर को भी पता है कि अपार शक्ति में जो टैलेंट है वो काफ़ी अच्छा है, इसीलिए उनका रोल ऐसा रखा गया है कि जिसके बिना मेन कैरेक्टर जो है चिंटू त्यागी वो भी अधूरा है। तो ओवरऑल ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म है जो कि लास्ट में आपको एक ज्ञान भी देके चली जाती है। लेकिन जो रायता फैलाया वो इस फिल्म के गानों ने, जो रिक्रिएट किए गए, खासकर वो जो आंखियों से गोली मारे उसने इस पूरे गाने को ही, जो उसका रियल वर्जन था उसको ही मार दिया है। और इसका जो क्लाइमेक्स है वो भी थोड़ा सा ना घिसा पीटा, पुरानी फिल्मों में ऐसा क्लाइमेक्स देख चुके हैं, कुछ अगर नया इसमें होता तो शायद ये फिल्म एक और अच्छे लेवल पे जाती। तो इसीलिए मैं इस फिल्म को दूंगी 3.5 स्टार। तो अगर आपने फिल्म देख ली है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी है। साथ ही पत्रिका.com के सारे सोशल मीडिया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं फिर हाजिर होंगी एक नए रिव्यू के साथ।